एक्सेलेंसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विभिन्न एजेंसी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो एक्शन मोड पर नजर आई है। खबर बड़गाम से आ रही है जहां पर विभिन्न लोकेशंस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा छापेमारी की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार को कार्रवाई जारी रखते हुए मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में कम से कम 3 लोकेशंस पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मदद से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों ने बड़गाम जिले में 3 स्थानों पर छापेमारी की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों ने फारूक अहमद भट्ट के घर और जुबेर अहमद डार के घर की तलाशी ली है। एक अन्य टीम ने उसी गांव में गुलाम अहमद के बेटे अली मोहम्मद डार के रेजिडेंशियल हाउस पर भी छापेमारी की है। ऐसी कार्रवाई जरूरी भी है। और हमारी केंद्र सरकार की बात करें, हमारी विभिन्न एजेंसीज की बात करें, वो लगातार संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में विभिन्न एजेंसीज द्वारा इसी तरह की छापेमारी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलेंसी न्यूज।